नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं वर्सेटल वाईटी। आज की वीडियो में हम आपको फ्री में कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स या फिर कोई भी कोर्स आपको करना है, साथ ही सर्टिफिकेशन करना है जो कि ऑप्शनल है। मतलब आप कोर्स करके सर्टिफिकेशन कर भी कर सकते हैं या फिर नहीं करना होगा तो आप उसको छोड़ सकते हैं। जो आपने कोर्स किया वो तो आपको है ही, जिसमें आपको कुछ भी पैसा लगने वाला नहीं है। मतलब यदि आप वही कोर्स बाहर से हाईली क्वालिफाइड, बोले तो IIT के जितने प्रोफेसर्स हैं उनसे आप यदि बाहर से करोगे ना, ये साइट के अलावा कहीं से भी आप करोगे ना, तो लाख रुपये से भी ज़्यादा पैसा लगता है। बस आपको 1000 रुपीज़ सर्टिफिकेशन का चार्ज देना पड़ता है। तो हम आपको बता दें, इसमें आप दो तरह से कर सकते हैं ये सर्टिफिकेशन जो है। सबसे पहले तो एक वेबसाइट में भी जा सकते हैं, दूसरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले एक वेबसाइट में आप कहाँ पे जाएंगे, swam.gov.in अपने ब्राउज़र पे टाइप करें और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, साइन इन करना है। फिलहाल तो मेरा साइन इन किया हुआ है, तो आपको साइन इन करना है। आपका गूगल अकाउंट है तो गूगल अकाउंट से साइन कीजिए, फेसबुक अकाउंट है फेसबुक अकाउंट से साइन कीजिए, यदि आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो कि आपको नहीं मिलेगा। ये था आपका वेब वर्जन। तो हम आपको दिखाते हैं एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू हम वो कोर्स कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर आपको यहाँ पे टाइप करना है स्वयं ऐप, हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अब हम इसको ओपन करते हैं, ये हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन इन और रजिस्टर करते हैं। यदि आपने साइन इन या रजिस्टर नहीं किया है तो आप यहाँ पे आके साइन इन या रजिस्टर कीजिए। यू किया, यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिख रहा है साइन अप करने के लिए। यहाँ पे आपको तीन तरह का ऑप्शन दिया गया है। डायरेक्टली साइन इन करने के लिए साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल को चूज़ करते हैं। गूगल से हम लॉग इन करते हैं तो यहाँ पर हम अपना ईमेल आई डी डालते हैं। ओके, ये हमारा ईमेल आई डी था। यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं, करते हैं सर एप्लीकेशन में लॉगिन करके। कोर्सेस है, आपने रजिस्टर किया होगा तो आपको यहाँ पे सब चीज़ दिख जाएगा। माय कोर्सेस, कोर्सेस कैटलॉग, यदि होम में चले जाते हैं तो यहाँ से आपको कोई भी कोर्स चाहिए होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं। ओके, कोर्सेस कैटलॉग को कोई भी तरह का कोर्स करना होगा, यहाँ पे आप फ्री में कोई भी कोर्स को स्टडी कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि वो कोर्स कितना बड़ा है, चैप्टर कितना बड़ा है। आपको दिखाते हैं कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स जो कि आपको डायरेक्टली जितने भी IIT इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में उन सब के प्रोफेसर्स के थ्रू आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा उनका, वो उनको आपको स्टडी करना है। और उसके साथ में यदि आप उस वीक का कोर्स को कंप्लीट किया आपने तो उसमें आपको प्रत्येक वीक कुछ आपको असाइनमेंट भी दिया जाता है। वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना होता है, उसमें जो आपको पॉइंट होता है वो पॉइंट यदि आपको सर्टिफिकेशन करना होता है, सर्टिफिकेशन में जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें जो आपको जितना पॉइंट मिला वो पॉइंट और जो आपने असाइनमेंट किया था जब कोर्स कर रहे थे वो पॉइंट आपका ऐड होके आपके लिए आप वो क्वालिफाई करते हैं। तो यदि आप नहीं हो पाता है, यदि आपका, मैं आपको बताऊंगा, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि मतलब सर्टिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है, मतलब कैसे आप खुद को उसके थ्रू मतलब सर्टिफिकेशन आपको मिल सकता है। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। सपोज़ आपको कोई भी चीज़ में आपको इन्वॉल्वमेंट कराना है खुद को कोई भी चीज़ में, तो सिंपली यहाँ पर आपको सर्च करना है जिस चीज़ का आपको कोर्स करना है। आपने तो शुरू में देखा था बहुत सारा है, तो हम यहाँ पर कोई भी डालते हैं। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग है, इनरोलमेंट मैंने ऑलरेडी इनरोलमेंट किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ कोई ये दूसरा वाला जिसमें कि हमने इनरोल नहीं किया। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, बस उसमें जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्वाइन में दबाना है। ज्वाइन में दबा के आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालना होता है, नाम डालिए, नंबर डालिए, नेक्स्ट करना है, फिर आपको बूम। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट यहाँ पर डाल दीजिए। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए। फिर यहाँ पे आपको दिखाना होता है कि कौन सा, कहाँ से आप क्या स्टडी करें। अपडेट एंड ज्वाइन, ये क्लिक करोगे ना तो वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कोर्सेज जिसमें हमने ऑलरेडी ज्वाइन करा है, मैं आपको दिखाता हूँ। आओगे ना होम स्क्रीन में तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में दिख रहा होगा, यहाँ पे जाओगे ना फोर, यहाँ पे आपको दिख रहा है माय कोर्सेस। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ में अपने को इनरोल किया है कि कोर्स लेआउट हुआ आपका ये। ठीक है, ओके, कोर्स तो फ्री में मिल रहा है, बट यदि आपको सर्टिफिकेशन का चाहिए होता है तो सर्टिफिकेशन आप क्या करेंगे,
फर्स्टली आपको ये जो कोर्स होता है वो आपको कंप्लीट करना होता है। यदि आप इनरोल करते हैं तो उधर आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया जाता है, जैसे इधर दिया है 20 दिसंबर 2020। क्राइटेरिया टू गेट अ सर्टिफिकेट वो आपका दूसरा है, जैसे कि आप जो कुछ कोर्स करते हैं ना, वो कोर्स में कोर्स करते करते आपको मतलब प्रत्येक वीक आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है, जिसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस होते हैं। वो 10 क्वेश्चंस में आपको कुछ आंसर देने पड़ते हैं। उसमें जो आपको पॉइंट मिलता है वो पॉइंट, और जो एग्ज़ाम में जो आपको पॉइंट मिलता है, मतलब 75% एग्ज़ाम वाला जो आपको पॉइंट मिलता है, और इधर 25% जो आपने असाइनमेंट किया उसका, दोनों का जोड़ के आपको फाइनल स्कोर जो दिया जाता है उस पर आपका सर्टिफिकेट बनता है। ये क्राइटेरिया मतलब जो दिया हुआ है कि 25 में से 10 आपका पॉइंट आपको नहीं मिला, 25 में से 10 पॉइंट नहीं मिला, सपोज़ कि आपको 25 में से 9 पॉइंट आपको मिले और 75 में से 40 पॉइंट्स आपको मिले, तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका यहाँ क्राइटेरिया क्या है, 75 में 30% आपका सही होना चाहिए 75% में। उसी तरह जो एवरेज असाइनमेंट स्कोर आप दे रहे हैं उसमें आपको 25% में से 10% आपको उसमें सही करना होगा, मतलब 10 पॉइंट आपको उधर से लेना होगा। ये आप नोट कर लीजिए कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है इट विल हैव द लोगो ऑफ NPTEL एंड IIT खड़गपुर, क्योंकि उनका लेक्चर है वो, तो उनका लोगो होगा उस पर। तो आपको सिंपल कोर्स पे जाना है। यहाँ पे आप जैसे ओपन कीजिएगा ना, तो फिलहाल तो वीक वन 14th ऑफ सितंबर स्टार्ट हुआ था, वीक वन का कोर्स उसने डाला है। वीक वन का जो लेक्चर होगा वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है पूरा का पूरा। यदि आपको देखना होगा कि मतलब आपको क्या क्या कंटेंट्स इसमें दिए गए हैं, और तो आपका वीक वन में आप ये सब कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपका असाइनमेंट वन आता है। यदि आप असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट में फ़िलहाल आप देखिए कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल लगभग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये लगभग 8 to 9 वीक तक आपका चलेगा, मतलब ये फर्स्ट वीक फर्स्ट है, तो वीक फर्स्ट में आपको ये कंप्लीट करना है स्टडी करके, जो कि कितना आधा घंटे करके एक लेक्चर होता है। यदि आप इसको प्ले करोगे, देखिए ये 28 मिनट का लेक्चर है। लेक्चर ख़त्म करने के बाद आप असाइनमेंट डालिए, असाइनमेंट देने के बाद आपका जो नंबर आएगा वो नंबर आपका सेव रहेगा, कुछ नहीं करना है। बाद में फिर मतलब वीक वन के ख़त्म होने के बाद अगले जो अगले वीक आएंगे, तो जो कंटेंट आपका जो अपलोड होता है वो ऑलवेज वीक का मंडे को अपलोड होगा। मतलब आपने यदि लेक्चर ख़त्म किया तो नेक्स्ट वीक जो मंडे आएगा, मंडे को आपका अगला वीक का लेक्चर अपडेट होगा। फिर आप उसको कंप्लीट करके जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा उसको भी आप कंप्लीट कीजिए। तो वैसे करते करते आपको पूरा कंप्लीट करते जाना है। यदि आपको सर्टिफिकेशन करना है, जो कि ऑप्शनल है, यदि आप सर्टिफिकेशन नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ सीख के भी कल्टी मार सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको यदि सर्टिफिकेशन चाहिए तो जो असाइनमेंट दिया हुआ है, कोशिश कीजिए असाइनमेंट को आप 100% मतलब सही करो, क्योंकि वो असाइनमेंट का जो मार्क्स होता है वो आपका उधर जो सर्टिफिकेशन के लिए आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 1000 रुपीज़ दे के, उस पर जो मार्क्स आपको मिलता है वो पॉइंट, और जो आपने असाइनमेंट दिया वो पॉइंट आपका प्लस होता है, साथ ही जो उसमें से जो आपका पॉइंट बनता है वो आपका फाइनल स्कोर होता है। जैसे किसी भी कोर्स को आपको चाहिए होगा, आप यहाँ बस सिंपल सर्च कीजिए, आपको यहाँ पर सब सब मिल जाएगा। मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिक्स चाहिए, मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे मिलेंगे इधर। क्या चाहिए आपको, 11th का पार्ट 1, 11th का 12th का, मतलब सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री में। NCERT के चाहिए, देखो NCERT का दिया पूरा का पूरा ट्रेनिंग है।